सबसे पहले आप लोगों को बहुत स्वागत है। जरूरत गाने जिस तरह से इसके जो टाइटल है बहुत ही प्यारे हैं, हमने गाने सुन लिया, गाना बहुत प्यारा है। कॉन्सेप्ट कैसा आया था, किस तरह से भोजपुरी में बदलाव के साथ शुरुआत किया था? गुरु जी, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। भाई पहले तो सभी भोजपुरिया समाज को प्रणाम, आप सब मीडिया भाइयों लोग को प्रणाम कि आप लोग यहाँ आए हमारे लॉन्चिंग पार्टी में। और ये कॉन्सेप्ट जो है मीन्स हमने बहुत दिन से सोच रखा था और एक लव रोमांटिक सॉन्ग हम लोग को लाना था, इसलिए हम और पूनम जी ने इसको सोचा, देखा। हमारे बड़े भैया गार्जियन नीरज सिंह म्यूज़िक वाइट के जो मालिक हैं, वो लोग हम लोग बैठ के इस पर चर्चा की और बोले कि चलो इसको लिखते हैं और करते हैं। एक मतलब एक दिखाना था कि भाई एक मतलब जो अभी का जो चल रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं, तो उससे हटके कुछ दिखाना था कि जनता को और अच्छा लगे। जो हमारे भोजपुरिया समाज है सुन रहे हैं अश्लील अश्लील, तो थोड़ा उसको हटाते हुए इसको हम लोग लाए हैं। मेरे सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से गाने को हमने देखा काफ़ी मज़ा आया और बिल्कुल ही इसे हम कह सकते हैं भोजपुरी नहीं है, एक तरह से हिंदी लेवल की मेकिंग की गई है, कितनी उम्मीदें हैं कि इसको जो फैन है भोजपुरिया तो बहुत प्यार देगा? जी सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पे। और जब कोई हिंदी को भोजपुरी या भोजपुरी को हिंदी से कंपेयर करता है तो दर्द होता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भोजपुरी बुरी है, उसको हिंदी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? भोजपुरी का अपना महत्व है, हिंदी का अपना महत्व है। प्यार, संस्कार, जितनी चीज़ें आपको भोजपुरी में मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। और सिर्फ सब लोगों ने जैसा बोला इनकी परिकल्पना, तो सब लोगों ने सोचा और वो आपके सामने है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत सारा प्यार मिलेगा आपको। मेरा क्वेश्चन आपसे है गुलू जी की, जैसे कि आपने एज ए स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट आप ग्रो कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बाकी कलाकारों से कितना सपोर्ट मिलता है? पहले बात तो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री परिवार है जी, और हमारे सभी जितने भी एक्टर हैं चाहे को एक्ट्रेस हैं, सबको इसे अच्छा हमें सीखने को मिलता है। हर दिन एक नया चीज़ सीखता हूँ मैं, और ये सीख जब तक मिलेगा भाई हमनी के ग्रहण करते जाए, ताकि सीख कभी कमी ना होला। जितना सीख सके नहीं सीखो। सबसे इंडस्ट्री भाई, इंडस्ट्री से तो मेरा हो गया तकरीबन 15-20 साल हो गया। 20 साल जी भाई। आपका चैनल भी, हाँ हमारा आज एक चैनल भी लॉन्च हो रहा है जीआर इंटरटेनमेंट। मैंने मतलब जीआर इंटरटेनमेंट खोलने का मेरा जो मेन मकसद है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे डालते हैं, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो जगह नहीं मिल पाता है, तो वो जीआर इंटरटेनमेंट को दे, हम लोग उसको डायरेक्ट डालेंगे और वो प्लेटफॉर्म उनको दिया जाएगा, चाहे वो छोटे हो बड़े कोई भी हो। ना इस जीआर इंटरटेनमेंट में कोई जाति है ना पाति है, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जात पात नहीं है, कलाकारी में जात पात नहीं है। तो जीआर भैया कलाकार के केहू जात हो जाए तब कलाकार का। बहुत सारे स्टार अहिरान स्टार भगवान स्टार कहते हैं, आप कैसे कहते हैं कि भैया? देखिए मैं अहिरान स्टार हो चाहे कोई स्टार है, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कलाकार एक कलाकार होता है। हमने के कलाकार बानी, हमारा मनोरंजन करना, सबको हंसाना, रुलाना, बजाना, गाना, सब हम लोग का मकसद है कि सब कोई खुश रहे। बस हम लोग कोई जात विवाद ये सब में नहीं, बस कलाकार एक ही जात है, वो कलाकार। मैम इससे पहले भी हमने आपको कई एल्बम में देखा है गुरु जी के साथ, या बिल्कुल ही एकदम अलग डिफरेंट बोलता है इसमें आपका, कितना मजा आया शूटिंग के दौरान और इस तरह से क्या हमें आगे भी आपकी कॉम्बिनेशन के गाने देखने को मिलेंगे? हाँ जी, हमने काफ़ी सारे गाने शूट किए हैं जो आपको जल्दी एक एक करके देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में मुझे नहीं लगा कि मैंने मतलब इस गाने में मैंने एक्टिंग नहीं की है। हमारे डायरेक्टर से रवि पंडित जी हैं और उन्होंने बोला मैम बिल्कुल नेचुरल करने हैं, तो जैसे मेरे डायरेक्टर ने बोला मैंने वही फॉलो किया है, मैंने कोई एक्टिंग नहीं की है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है कि जिस तरह से सर भोजपुरी का परिवेश बदल रहा है,
अश्लीलता के टैग से हम कोसों दूर जा रहे हैं। सर टाइटल जरूरत नहीं है, जरूरत पूरी कर दी है कि बिल्कुल हम बदल गए हैं क्या? सर इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पे, कंटेंट पे हमें भोजपुरी में गाने देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, अब तो देख रहे हैं कि समय के साथ बदल रहा है, नॉट ओनली कि म्यूजिक माइंड, बाकी भी सभी चैनल में आप देख रहे हैं कि पिछले एक साल दो साल से जिस तरह से मूवी चल रहा है, काफ़ी लोग अश्लीलता के खिलाफ आ गए हैं और इसका नतीजा ये है कि हर कंपनी को, हर कलाकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है। आज आप देखते होंगे कि पहले व्यूज किस हिसाब से जाता था, आज उसके वजह से बहुत लोगों का व्यूज खत्म हुआ, बहुत सारे आर्टिस्ट का व्यूज खत्म हुआ, बट ये है कि लोग अब इस चीज़ को मानने के लिए मजबूर हैं कि भाई जब तक हम कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लाएँ मनोरंजन के लिए, केवल अश्लीलता से ही मनोरंजन नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है कि इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है और ये तो एक शुरुआत है, इस लेवल को बहुत आगे ले जाना है। और इवन आपको दिख भी रहा होगा कि पीछे कई दिनों में पवन जी ने जो एक मुकाम लेने का प्रयास किया है, या खेसारी जी, सब लोगों ने मतलब एक अलग हटके भोजपुरी के लेवल को बहुत ऊपर ले जाना, तो वही प्रयास हम लोग का भी, अश्लीलता से बिल्कुल नाता नहीं रखना है और स्वच्छ मनोरंजन सबको मिले। सर मेरा एक आपको क्वेश्चन ये रहेगा, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कहते हैं कि मैं अच्छे गाने लेके जाता हूँ कंपनी वालों के पास, तो वो लोग भगा देते हैं कि नहीं ये गाना नहीं चलेगा, इसके व्यूज नहीं जाएगा, और अगर मैं कोई अच्छी गाने लेके जाता हूँ तो कंपनी वाला तुरंत उसको एक्सेप्ट करके उसको ले लेंगे, ऐसा इस बात ये देखिए एक मिथ हो सकता है, इससे हम सहमत नहीं है आपसे। अगर ऐसा कोई भी कलाकार है अपना अच्छा कॉन्टेंट लेके आता है, ऑलवेज वेलकम, ओपनली भेजिए हमारे यहाँ, बट जो कंपनी की मजबूरी होती है क्या, जो बड़े कंपनी तो आप बोलते हैं कि 200 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे, उनके पास ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, यूट्यूब में कुछ है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा भी नहीं है कि हम एक दिन में 10 गाना लॉन्च कर देंगे, 15 गाना लॉन्च कर देंगे, और कलाकार का संख्या क्या है ये आपको पता है, तो थोड़ा प्रेशर होता है कि वहाँ से अच्छे कंटेंट के लिए कंपनी मजबूर हो जाती है, भाई आप अच्छा बना के ऑलवेज वेलकम, अगर कंटेंट अच्छा हो तो हर कोई लेना चाहिए। सर क्या सोचकर गोलू राज का जो जरूरत सॉन्ग है इसका भव्य लॉन्चिंग का प्लानिंग की है? अभी आपने बोला कि कलाकारों को एक, हर कलाकार को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, देखिए पवन सिंह, खेसारी लाल, बाकी सब लोगों को तो ऑटोमेटिक मिलता है, पहले से प्लेस बना हुआ है, उसके हिसाब से उनका प्रमोशन ग्रैंड हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से जो स्ट्रगलर हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर बेहतर है, अगर उसको वही चीज़ दिया जाए तो निश्चित रूप से समाज में एक बेहतर मैसेज जाएगा और उस कलाकार का मनोबल बढ़ेगा। कितना उम्मीद है इस गाने से, कितना रिस्पॉन्स? उम्मीद हर कलाकार को हर गाने से होता है, इस गाने से भी बेहतर है और हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए इसका परिणाम, बाकी दर्शक है उसको पसंद आएगा तो सारा कॉपे गाने ओके। मुझे इसे क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप सब अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए इस गाने को लेकर और कितना कुछ आपको उम्मीद लगाया है ये। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग करके और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग इस गाने को बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे और 100% हिट होगा। कॉन्फिडेंस है। पिछले बार भी कई बार कई सारे बात में कर रहे हैं, आने वाला भी आप बड़ा दिन क्या लगता है ये दोनों जोड़ी भविष्य में चल पाएगी अच्छी? अगर चलती नहीं तो आप यहाँ कैसे होते? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।